नमस्कार, मेरा नाम है वर्षा। दिव्य हिमाचल अपनी माटी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अपनी माटी में लेकर आए हैं किसान बागवान भाइयों के लिए कुछ खास वीडियो, तो आइए नजर डालते हैं अपनी माटी पर। सुन लें किसान, धान के सबसे बेहतर बीज ये रहे। जवाली के लाल ने पत्थरों पर उगा दिए सेब। गिरिपार में लहसुन की प्रोडक्शन घटी, किसानों के चेहरे पड़े पीले। बारिश ने पहाड़ों पर किया प्रहार, मैदान पर बरसाया प्यार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के मैदानी इलाकों में गेहूं की थ्रेशिंग खत्म हो गई है, जबकि पहाड़ी एरिया में यह काम जोरों से चल रहा है। अब धान का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में किसान जानना चाह रहे हैं कि वे इस बार धान की कौन सी किस्में रोपें जिससे पैदावार डबल हो जाए। हमारे पास किसान लगातार खोखले बीजों की शिकायत लेकर आ रहे हैं, तो आइए किसान भाइयों की यह टेंशन भी दूर कर देते हैं। अपनी माटी के इस अंक में दिव्य हिमाचल वेब टीवी धान के उन किस्मों के बारे में आपको बताएगा जो हिमाचल सरकार ने प्रमाणित की हैं, यानी इन किस्मों पर किसान भरोसा कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो बीज का जो प्रमाणीकरण के लिए हमारे पास एक HPC सर्टिफिकेशन एजेंसी है, हिमाचल प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था, उनको दायित्व है कि वो प्रदेश में जितने भी बीज हैं उनको सर्टिफाई करें, जो प्रदेश में उगाए जा रहे हैं वो ऑलरेडी सर्टिफाइड होते हैं, जो दूसरी स्टेटों की एजेंसी हैं वहाँ की सर्टिफाई। कांगड़ा जिला का ज्वाली हल्का मेहनतकश किसान बागवानों और प्रचंड गर्मी के लिए विख्यात है। गर्मी में यहाँ पारा 40 डिग्री तक छू जाता है। गर्मी ऐसी कि सेब को पैदा करना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी गलत होगा। लेकिन प्रचंड गर्मी में ज्वाली के एक होनहार किसान ने सेब तैयार कर दिखाया है। तो आज हम अपनी माटी बुलेटिन के जरिए आपको मिलाते हैं ट्यूकरी निवासी सुभाष चंद्र शास्त्री से। उन्होंने पथरीली जमीन पर सेब को तैयार कर हर किसी को हैरान कर दिया है। यही नहीं, सुभाष शास्त्री ने 20 कनाल जमीन पर लीची, आम, इलायची, अनार भी तैयार किए हैं। आइए शास्त्री से बात करते हैं। मैंने बागवानी का शौक जो है मुझे बचपन से था, और उसी शौक में मैंने कई बार पहले फुलवारी वगैरह भी अच्छी लगाई है, उसके बाद जॉब किया है। जॉब के बाद जो है वो जब से रिटायर हुआ मैं 4-5 साल से, तब से लेकर के मैं बागवानी का काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने लगभग 50 पौधे जो हैं वो सेब के लगाए हैं, जिनमें से 35-36 पौधे जो हैं वो अच्छा फल दे रहे हैं, और उसके साथ में मैंने 60 बूटे अनार के लगाए हैं, वो भी उनमें से कुछ जो हैं वो अभी लगभग 1.5-1.5 साल के हुए हैं, कुछ फल जो हैं वो भी दे रहे हैं। उसके साथ में मैंने 25 बूटे आम के लगाए हैं, वो अच्छे फल दे रहे हैं। उसके साथ में 7-8 बूटे जो हैं वो मैंने लीची के लगाए हैं, वो भी फल दे रही हैं। साथ में अंगूर लगाया 3-4 पौधे, 6-7 पौधे जो हैं वो लीची के हैं। जब भी मुझे कोई भी दिक्कत आती है तो मैं हॉर्टिकल्चर वालों को फ़ोन करके, वो कई बार आ जाते हैं मौके पे और आ करके मुझे जो है वो कार्य में पूरा सहयोग देते हैं। हिमाचली किसान कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उसके सिर से एक आफत हटती नहीं कि दूसरी आ जाती है। अब दुनिया भर में मशहूर गिरिपार के लहसुन को ही ले लीजिए। इस बार लहसुन के दाम मार्केट में 65 रुपए किलो तक मिल रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि इस बार पैदावार ही बेहद कम है। अपनी माटी बुलेटिन के लिए दिव्य हिमाचल वेब टीम ने इस बार गिरिपार का दौरा किया तो पता चला कि अमूमन यहां 1600 हेक्टेयर पर 4000 मीट्रिक टन लहसुन पैदा होता है, लेकिन इस बार उत्पादन में 70% तक की कमी आई है। दुखी किसान बताते हैं कि इस बार गिरिपार में लहसुन को वाइड रोड नामक बीमारी लग गई थी, बहुत जतन किए पर फसल न बचा सके। अब तो बस जयराम सरकार से ही उम्मीद है कि शायद वह उन्हें हुए घाटे की भरपाई करवा दें। इस बार लहसुन की फसल, लहसुन में बीमारी लगने के कारण उत्पादन कम हुआ है। लहसुन का जो साइज कई वर्षों से यहाँ पर बनता था उस हिसाब से इस बार फसल नहीं है। ये मुख्य कारण जो लहसुन में एवरेज कम होने का है वो बीमारी है, तो इसलिए बीमारी लगने के कारण इस बार लहसुन की उत्पादकता कम हुई है। हिमाचल भर में हो रही बारिश और तेज तूफान ने किसान बागवानों के सारे समीकरण बदल दिए हैं। ताजा बारिश से अच्छा और बुरा दोनों तरह का गणित बन रहा है। मैदानों में गेहूं थ्रेशिंग हो गई है, वहीं हो रही बारिश से करेला, भिंडी,
घिया, मिर्च आदि नकदी फसलों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश कहर से कम नहीं। चंबा जिला के सलूनी की भांदल घाटी में ओलों और बारिश ने खेतों में बीजी मक्की तबाह कर दी है, जबकि मटर को भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह सोलन, शिमला और सिरमौर के ऊंचाई वाले इलाकों में गेहूं खेतों में सड़ने की कगार पर आ गई है। इसी तरह रोहडू, ठियोग और मतियाना में भी ओलों ने सेब को बर्बाद कर दिया है। उधर मौसम विभाग का दावा है कि 20 के बाद मौसम साफ हो जाएगा। और अब चलते चलते सोलन के चंबा घाट में बनेगा हाईटेक मशरूम केंद्र, 4 करोड़ रुपए मंजूर। नौराधार में हॉर्टिकल्चर के बगीचे में नए पौधे रोपे, सुपर चीफ जेरोमाइन किस्में सहेजी जाएंगी। एक्सपर्ट की सलाह, मेथी में करें यूरिया का छिड़काव, एकड़ में 20 किलो लिमिट तय। और पॉलीहाउस में टमाटर लगा रखे हैं तो धब्बा रोग से बचने के लिए अभी करें टिल्ट का छिड़काव। कल यानी रविवार को हिमाचल की सभी 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी प्रदेश भर के सभी किसान बागवानों से आग्रह करता है कि वे हर हाल में वोट करें। और अब वक्त हो गया है किसान भाइयों के मनोरंजन का, तो आइए देखते हैं ये हिमाचली गीत। छोशिए देला देला ओ बुदुआ मामा गाड़टुआ गुणेरे छोशिया देला रोछा लगाओ गुणदा मामा गाड़टुआ दौड़ू लाओ गुण शेला शेला ओ बुदुआ मामा गाड़टुआ दौड़ू लाओ गुण ना की शेला। आज के एपिसोड में इतना ही, जल्द ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना खूब ख्याल रखिए।